आनंद पाल का हाथ नहीं आना इस बात का प्रमाण है कि उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो आपके हाथ आ रहे हैं, वो आगे से आगे निकल रहा है। और कई बार ये बातें सामने आई है कि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री का उनसे जुड़ाव है और होम मिनिस्टर भी अपने आप को लाचार महसूस करते हैं और पुलिस जो है उसको अगर फ्री हैंड दिया जाए तो मैं समझता हूँ राजस्थान की पुलिस इतनी सक्षम है कि वो आनंद पाल को कहीं से भी पकड़ के ले आएगी। मैं सोचता हूँ आप लोगों को हमारी तारीफ करनी चाहिए कि आनंद पाल सितंबर से गया है, हमने एक दिन भी उसको ढूंढने में कहीं गैप नहीं दी, लगातार प्रयत्नशील है, इसलिए तो इतने अभियुक्त पकड़े हैं। और आपको और मुझे भी पता नहीं था कि ग्वालियर में वहाँ पुलिस पहुँची तो आखिर उसकी कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा तभी पहुँची होगी ना। ये ठीक है कि उसको सफलता नहीं मिली, लेकिन उस सफलता के पीछे हमने 17-18-20 नामी अभियुक्तों को अंदर ठोक रखा। आज की तारीख में राजस्थान कम से कम इस गैंगवार से तो बचा हुआ है। एक आनंद पाल ही नहीं, कई ऐसे राजस्थान के अंदर ऐसी घटनाएं घट चुकी है जिसमें पुलिस अभी तक सफल नहीं हुई है क्योंकि उनकी सबकी मिलीभगत है। इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, देखना चाहिए इनको अपराधों को रोकने के लिए। और जो आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं, बच्चियों से जो बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, एटीएम लूटे जा रहे हैं, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई है, सरकार उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। रचुए साहब आपके पास आऊँ उससे पहले दो दर्शक जुड़े हैं, खालिद कुरैशी हैं बीकानेर से और राजेंद्र जैन अजमेर से हमारे साथ हैं। खालिद साहब नमस्कार। कानून व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, चोरियों में पहले से जो मतलब सुधार कम हुआ है, चोरी कम हो रही है, सब मतलब पहले से काफी सुधार है, जो साहब कह रहे थे सुधार नहीं सुधार हो रहा है काफी। रही बात आनंद पाल जी की, उनके फरार होने के बाद में उनके सैकड़ों साथी पकड़े गए और ये सैकड़ों जो उनके दुश्मन थे वो भी पकड़े गए। आनंद जी पकड़े जाएंगे कहाँ जाएंगे, वो देश से बाहर जान सकते कहीं से। शुक्रिया आपका। राजेंद्र जैन साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आप सबको नमस्कार साहब जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस चुस्त अपराधी चुस्त, रेमंत जी कहते हैं वो सही कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे कहाँ बच के जाएंगे। धन्यवाद आपका भी। रचोया साहब एक सवाल है, पूरी तस्वीर के बीच में पुलिस पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े होते हैं, क्या पुलिस का काम ठीक है, इंटेलिजेंस ठीक से काम कर रहा है? क्योंकि पुलिस इंटेलिजेंस के फेलियर की ही बात लगातार यहां पर निकल कर आ रही है, ऐसी तस्वीर में पुलिस को क्या करना चाहिए था? आपने खुद ने जिक्र किया कि आपको लगा कम्युनिकेशन गैप था मध्य प्रदेश की पुलिस के साथ, तो क्या ऐसी भी गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये गैप चलाकर रखा गया हो? देखिए सरकार का इकबाल बना रहे, पुलिस का इकबाल बना रहे और जो क्रिमिनल्स हैं वो सरकार के कार्रवाई से, पुलिस की कार्रवाई से डरें। अब हो क्या रहा है कि ना तो सरकार का इकबाल है ना जो है पुलिस का इकबाल है, इसके कई कारण हैं, केवल पुलिस ही जिम्मेवार नहीं है। आज किसी अपराधी को पकड़िए, अदालत में पेश कर दीजिए, जमानत हो जाएगी, तारीखों पर तारीख करना पड़ जाएगी, इसमें पुलिस करेगी भी क्या? हम हर चीज़ पॉलिटिशियंस के आदमी को ब्लेम करें वो भी ठीक नहीं है, हमें पहले पुलिस का अपना सिस्टम सुधारना पड़ेगा। आज पुलिस पूरी तरह से जो है कई गलत तरीकों से पैसे के अंदर फंस गई है, भूमाफिया के चक्कर में फंस गई, ज़मीनों में फंस गई, पॉलिटिकल पोस्टिंग होने लग गई, सरकारी जो अधिकारी हैं पुलिस के वो इस ओर ध्यान दे नहीं रहे, थानेदार जो कर दे वो फाइनल है। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि जनता के अंदर पुलिस के प्रति जो एक सद्भावना होनी चाहिए उसमें गिरावट आ गई है, और ये गिरावट किस लेवल तक जाए, बिहार के लेवल तक जाए या और किस लेवल तक जाए, इसका का पुलिस अधिकारियों को ही सोचना पड़ेगा और सरकार को सोचना पड़ेगा। लेकिन सरकार के दायित्व कर्तव्यों की बात है, वो सरकार सरकार को इन पुलिस अधिकारियों को टाइट करना पड़ेगा, इनको सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, उससे पहले कृष्णा खोरानी जी जयपुर से हैं, साथ ही सुनील जी भी जयपुर से जुड़े हैं हमारे साथ। कृष्णा जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, बताएं सर। आपके मंच पर बैठे सभी भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार जी। तारीफ साहब आज मेरी वेबसाइट में राय रहेगी और काफी आप मुद्दे से आनंद पाल को उठा रहे हो और दिख भी रहा है आपके चैनल के माध्यम से,
अरे तब आपको नहीं लगता सरकार पिछले 2.5 साल से इनका व्यवस्था कानून व्यवस्था है वो थपी है एक तरीके से। सर देख लो कानून व्यवस्था इतनी ठप है, हमारे राजस्थान जैसे जयपुर जैसे शहर के अंदर 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, उसमें इन्होंने आग मिचौली कर ली। उसके बाद में आप ये देख लो आनंदपाल, जबकि इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सब अधिकारियों को पता रहता है, पता रहने के बाद में उसको 5 मिनट पहले ऐसी भनक लग जाती है वो बंदा वहां से निकल जाता है। कहीं ना कहीं पोल है, इस सिस्टम में पोल है और उसी पर आज मुद्दा है। सुनील जी आप क्या कहेंगे? अश्विनी जी नमस्कार। जी नमस्ते अश्विनी जी, मैं आपके न्यूज चैनल के द्वारा एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आज जयपुर के अंदर देखो कोतवाली थाना और एक नारगढ़ थाना, ये थाने ऐसे है आज आम नागरिक सुबह पहले दुकान खोलता है, रात के 9 बजे पुलिस वाले दादागिरी करके जो परकोटे में दुकान है उसको दादागिरी करके बंद कराते हैं। अच्छा एक नारगढ़ थाने वाले ऐसी जगह जैसे सरस्वती कुंड पुरानी बच्ची में खड़े हो जाते हैं पीसीआर की गाड़ी लेके और लोगों से 100 रुपए 50 रुपए ले चालान ठोकने का काम करते हैं, ये दादागिरी। आपके न्यूज चैनल से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे थानों पे लगान लगाए, ऐसे पुलिस वालों पे लगान लगाए जो पैसे लेके काम करे। कि आम जनता क्या इसलिए परेशान हो रही है कि आम जनता का काम नहीं दुकान खोलना? धन्यवाद सुनील जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। खंडेला साहब यहाँ पर लगता है कि कहीं पुलिस की जो जिम्मेदारियां हैं काम उन पर नहीं होता, पैसों में फंस गए। खुद रचोया साहब ने माना कि इस सिस्टम में तब्दीली आई है। देखिए अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, बहुत संक्षेप में बताऊंगा। जवाहर नगर में एक थड़ी लगाने की बात थी, थड़ी पहले से लगी हुई थी, उसको जरा हटाने की बात थी, हटाने के लिए आए, मैं भी वहां पर था। पुलिस वाले 2 घंटे तक वहां पर खड़े रहे और उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया और उस पुरानी वाली थड़ी को जरा इधर किया, नई वाली को यहाँ सेट किया, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे भाई बड़े भाई हैं, उनके गोली लगी, डकैती हुई और 3 महीने तक जो अपराधी थे वो गांव में घूमते रहे और पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उनको कुछ भी कह दे। क्यों? वो ये कह रहे थे कि एक जाट विशेष के जो नेता है उनकी जा कंसर्ट हमको मिल जाए। ये मैं आपसे उदाहरण दे रहा हूं व्यक्तिगत तौर पर और व्यवहारिक तौर पर और वास्तविक तौर पर। अब इसके आधार पर आप निष्कर्ष निकालिए, यानी पुलिस जब कहा जाता है जब क्रियाशील होती है, पुलिस को जब रोका जाता है वो रुक जाती है, पुलिस को कहा जाता पकड़ने के लिए। अब जहां तक फिर आनंदपाल की बात है, रिमोट सिस्टम है, रिमोट सिस्टम पर फिर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आनंदपाल को सरकार नहीं पकड़वाना चाहती। मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूं क्यों नहीं पकड़वाना चाहती? जैसे ही आनंदपाल पकड़ा जाएगा वो या तो अरे बात मत बोलिए, आप जरा बात सुनिए, अरे मैं पूरी दुनिया में घूमता मुझे मालूम है आपको कुछ पता नहीं है। आपको आप यही कहते हो सरकार नहीं, अब आपको धूप मरना चाहिए कि खंडेरे में ऐसा हुआ, मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ और 3 महीने नहीं पकड़ सके। आपके भाई के साथ हुआ था, आप उस मुद्दे को आगे लाके की बात नहीं कर रहे हो, अपराधी की बात कर रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपके भाई के साथ हुआ तो चिंता नहीं है, लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं है, अपनी इज्जत की चिंता नहीं है, आबरू की चिंता नहीं है और आपको क्या पुलिस का भी इंसान है, अगर पुलिस में कोई गलत करता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। आप आज ही का देखिए ना, आप ही के सीकर में और भी ऐसी चीजें ऐड करके एक पुलिस वाले के अपराधी के साथ में आप तक कहना चाहते हो, सामने तो लाइए उस पर भी कार्रवाई हो रही है, पुलिस को भी संरक्षण है, पुलिस को भी संरक्षण है, पुलिस वाले तो देखो शरीफ को डराते हैं, बदमाश से डरते हैं। और दूसरी बात ये है कि सरकार क्या करती है कि आनंदपाल को पकड़ नहीं पा रही है। और दूसरी बात है जो ग्वालियर के अंदर एमपी के अंदर बीजेपी की सरकार है, आपने जो नेता की बात की, नेता के अंदर ऐसी बात होती है, ये नेता ही गुंडा को नेता ही पालते हैं, जैसे आपने गुलाम है मुस्तफा फिल्म देखी है, वही हालात इसी लेवल राजस्थान की लेवल पर यही चल रही है स्टोरी। धन्यवाद शौकत साहब आपका बहुत बहुत। आलोक जी इस बात पर जवाब दीजिए, मैं आऊंगा हरितवाल साहब के पास भी आऊंगा। लगातार संरक्षण की बात आ रही है, पुलिस को काम नहीं करने दिया जा रहा या फिर पुलिस को फ्री हैंड नहीं है, ऐसा क्यों? अश्वनी जी पुलिस पूरी फ्रेंड है, आप सारे उदाहरण देखिए ना, आज से भी आप ये देखिए कि पुलिस तो अगर पांचों उंगलियां हाथ में भी बराबर नहीं थी। दर्शकों ने कहा है, मैंने नहीं कहा ये, नहीं मैं दर्शकों को ही मैं बताना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से पुलिस वाले भी इंसान रहते हैं, हो सकता है कोई एकाद अगर पुलिस वाला गलत है तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई होती है जैसे ही सामने आता है। आप भी देखेंगे कि कल भी चौथ के बरवाड़ा में भी ऐसी भी कार्रवाई, आज अभी शाम को ही सीकर पर भी कार्रवाई हुई है पुलिस में भी, तो पैसा कहीं भी नहीं है। अगर संरक्षण की बात करते तो पुलिस वाले भी क्यों करते हैं, आपके सामने देखते देखते कभी पुलिस वालों पर भी इतनी कार्रवाई है कभी आपने देखी थी? तो पुलिस को भी सुधरना है, जरा
ने खुद ने कहा कि भाई व्यक्तिगत जो है तो व्यक्तिगत तो आदमी को खुद को भी सोचना पड़ेगा, वो भी समाज के ही बंदे हैं, जो पुलिसमैन है वो भी समाज के ही लोग हैं, तो जब तक वो खुद नहीं सुधरना चाहेंगे सरकार, ठीक है सरकार उन पर जब भी सरकार को पता लगता है तो सरकार का कहीं कोई संरक्षण नहीं है। अब खंडेला जी हर चीज को जोड़ते हैं इस बात से, आप नहीं मानेंगे कि पुलिस ने चूक की है यहाँ पर, लागू नहीं कर रहे हैं। खंडेला साहब आ रहा हूँ मैं आपके पास में, आप ये बताइए आलोक जी कि आप नहीं मानते कि पुलिस सिस्टम में चूक हुई है, गृह मंत्री को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए था लेकिन वो उल्टा सफाई देते हुए नजर आते हैं। पुलिस सिस्टम में चूक नहीं है, पुलिस भाई भी आगे पुलिस जितनी कार्रवाई गया पुराने टाइम से देखेंगे तो पुलिस को आप देखें तो पुलिस ने भी हाल फिलहाल में इस राजस्थान में कितने अपराधी पकड़े हैं आप उनका भी तो आकलन कीजिए, है तो पुलिस अपनी अब एक ही दिन में आप चाहते हैं कि पूर्णता सब ये आकलन मैं चाहूंगा कि कांग्रेस विपक्ष के नजरिए से जाकिर साहब बीकानेर से। जाकिर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस भाई 90-95% सालों पुलिस अपना काम करती है, मैंने कल भी कल या परसों डिबेट करने कहा था कि भाई कोई भी कांड करता है तो उसको बचाने वाला, अभी कल या परसों कोई ऑटो वाला था उसकी निश्चित पुलिस के अंदर थी और आपस में ट्रैफिक वाले और पुलिस वाले आपस में भिड़ गए थे, वो बोल रहा उसकी फोन खोलूंगा, वो बोल रहा उसकी फोन, अब किसकी फोन, कौन जनता के सामने खुद आपस जोधपुर में जोधपुर के वाकये का आपने जिक्र किया, यही सवाल है कि पुलिस आखिर कर क्या रही है। हरितवाल जी आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या पुलिस फ्री हैंड है फिलहाल। मैं खंडेला साहब की इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि आनंदपाल नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि खंडेला साहब ने बहुत गंभीर बात कही है कि उसका एनकाउंटर होगा, क्योंकि अगर वो जीवित पकड़ लिया गया तो ये बता देगा कि मेरी किस किस ने मदद करी, कौन कौन इन्वॉल्व थे, पूरी पार्टी को पूरी राजस्थान की सरकार को बचाने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, प्रायोजित कार्यक्रम है। हरितवाल जी ऐसा कह रहे हैं, आपकी सीधी बात होती है, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे आपको पता है कि ये कहेगा वो कहेगा, इस तरह से आकलन कर रहे हैं आप। मानो अब मैं रचोया साहब से एक बात, रचोया साहब आपकी तरफ रख के एक बात कहना चाहता हूँ, किसी चौराहे पर पुलिस की ड्यूटी एक सर्कल बना होता है उसके ऊपर होती है, लेकिन पुलिस वाले सर्कल पे न खड़े होकर 20 गज आगे खड़े होते हैं, गलती से बिचारे किसी ने उधर से गाड़ी निकाली उसको रोक के और कहते हैं भैया तू कैसे आ गया, अरे तेरी ड्यूटी उस सर्कल पे है, उसको रोक हाथ दे के भाई रुक जा तू, वो काम करते नहीं है। और ये कह रहे हैं पुलिस वाले पकड़ लिए, पुलिस वाले वो पकड़े जा रहे हैं जो मलाईदार पोस्टों पर है, और पकड़ कौन रहे हैं, वो ऐसी जगह पर बैठे लोग पकड़ रहे हैं जिनको पैसे नहीं मिल रहे, तो ये ज्यादा अगर अच्छा नहीं है। काम हो रहा है तो उसमें भी कमियां निकाल लो। सुनो आप तो मुझे अच्छा काम बताइए, क्या नहीं अच्छा हुआ, आप ऐसे भी कर रहे थे ना, एक महीना होने को आया एक हत्या, आप एक घटना को लेके बैठे हैं, नहीं 19 आदमियों को चोट, एक आदमी की हत्या, और हत्या के बाद खुलेआम 3 दिन तक घूमते रहे, पुलिस को 5 दिन तक लगातार इन्फॉर्मेशन हुई, उसमें क्या कार्रवाई पुलिस वालों पे क्यों नहीं हुआ, आप अपने लेवल पे और भाई साहब आप अपने लेवल मालूम कीजिए, इतनी बड़ी घटना होना क्या चाहिए था, सरकार का क्या रोल होना चाहिए था, कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, पुलिस का एक्ट क्या होना चाहिए, जिम्मेदार सीधी सरकार, पुलिस का एक्ट क्या होना चाहिए, बिल्कुल सवाल यहाँ भी ये भी लाजमी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं तुरंत।